गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर एंड एवरीबडी, भाइयों बहनों, मैं आपको आज लेकर चलता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हमारा जो वेबसाइट है वो www.iitcampus.co.in, उसमें आपको जाना है और ये आप वहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी का आनंद ले सकते हैं। और कंटिन्यू एक टॉपिक जहां एंड होगा उसके बाद का टॉपिक, फिर उसके बाद का टॉपिक ये वेबसाइट में आपको कंटिन्यू मिलेगा। और जिसके इसका रजिस्ट्रेशन हो गया है उसका टेस्ट भी हो रहा है, और जिसका नहीं हुआ है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। लेकिन हम चलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में। सबसे पहला प्रश्न उठता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय करंट इलेक्ट्रिसिटी? ये आपके प्रश्न उठता होगा कि सर ठीक है उस दुनिया में चलेंगे लेकिन वो है क्या। लेकिन उससे पहले ये जानिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था। फिजिक्स की वो ब्रांच था जो हमें डील करता था रेस्ट ऑफ चार्ज, वहां चार्ज कभी मोशन में नहीं रहा था। और ये फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जो हमें डील करेगा मोशन ऑफ चार्ज। एक लाइन में समझ में आ गया होगा कि चार्ज हमेशा मोशन में रहेगा। लेकिन बच्चों, भाइयों बहनों, चार्ज हमेशा मोशन में रहेगा और करंट डेवलप हो जाएगा ऐसा नहीं है। उसकी कुछ कहानी है, कुछ कंसेप्ट है जिसमें एंट्री कराएंगे। लेकिन एलिमेंट्री तौर पर आप ये कह सकते हैं कि दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट मोशन ऑफ चार्ज रिलेटेड टर्म्स लॉज फिनोमिनन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी जहां पर चार्ज मोशन में रहेगा और उससे रिलेटेड टर्म होगा, आई हाई हाई फिजिक्स के उस ब्रांच का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस ब्रांच से आपके बोर्ड में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। हम दिखाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक करंट कैसे कंस्टिट्यूट होता है। दो डायग्राम बनाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान लगाइएगा। यहां देखिए एक कंडक्टिंग वायर ले लिए, कुछ भी वायर सपोज कर लो, कॉपर एल्यूमिनियम सिल्वर, और अभी इसको बैटरी से हम नहीं जोड़े हैं, विदाउट कनेक्शन ऑफ बैटरी। और यहां पर एक वायर लेते हैं, सेम वायर, आप इसको जरा समझिएगा, सेम वायर लेते हैं और इसको बैटरी से हम जोड़ देंगे, यहां स्विच लगा दिए। देखिए कैसे करंट कंस्टिट्यूट होता है वो कहानी आपको बताने जा रहा हूं। इसका स्विच को फिलहाल ऑफ रख रहे हैं, यहां प्लस कर दिया, यहां माइनस कर दिया। पहले इसमें समझिए करंट कैसे डेवलप होता है। एक तार आप देखे होंगे, उस तार को बैटरी से हम नहीं जोड़े हैं। क्या इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है? बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रॉन मोशन में है। मैं किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन होता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक वायर आप ले लें तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अरबों खरबों में रहता है। आइए देखता हूं इसमें क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का मोशन अभी देखिए, जिग जैग मोशन, इलेक्ट्रॉन का मोशन जिग जैग, इलेक्ट्रॉन का मोशन जिग जैग। ये कब है? विदाउट कनेक्शन ऑफ क्या? बैटरी। सारे इलेक्ट्रॉन मोशन में है, उसका स्पीड होता है इन ऑर्डर ऑफ 10^5 मीटर पर सेकेंड टू 10^6 मीटर पर सेकेंड। इन ऑर्डर का मतलब क्या है? हो सकता है अल्मोनियम में इलेक्ट्रॉन का स्पीड इतना हो लेकिन कॉपर में स्पीड इतना हो, 10^5। तो ये 10^5 को मनाने वाला है, ये 10^6 को मनाने वाला है, लेकिन अलग अलग कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का स्पीड अलग अलग होता है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अभी रेंडम मोशन में है, तो इलेक्ट्रॉन मोशन में तो है लेकिन आपस में कोलाइड कर जा रहा है और उसका रिजल्टेंट एवरेज वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। करंट डेवलप नहीं हो रहा है, मोशन में है लेकिन रेंडम मोशन में, जिगजैग मोशन में, कब किधर जा रहा है ये पता नहीं है, इसलिए सबका एवरेज वेलोसिटी 0 है और करंट फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन जब इसी वायर को बैटरी से सेटअप करते हैं, जो कि आपको देख रहे हैं क्या कहानी बनता है वो जरा समझिए। इसको स्विच ऑन कर दो, जैसे स्विच ऑन करते हैं तो आप लोग जानते हैं करंट फ्लो होता है कैसे, वो देखिए। ये इलेक्ट्रॉन क्या कहानी बनता है वो जरा देखिएगा आप। सारे इलेक्ट्रॉन भागता है माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। देखिए सब इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, लेकिन एक चीज और देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर डेवलप हुआ? ये प्लस और माइनस,
यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया प्लस से माइनस की ओर, सारे इलेक्ट्रॉन भाग रहा है माइनस से प्लस की ओर, अब भी इलेक्ट्रॉन मोशन में, तब भी इलेक्ट्रॉन मोशन में, फर्क क्या है? अब सारे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम। तो कहते हैं फ्लो हो गया क्या? इलेक्ट्रिक करेंट। इसलिए जूनियर क्लास में आप सीखे होंगे फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्टेन डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। बहुत बच्चा समझता है फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करेंट, घटिया। फ्लो ऑफ चार्ज इन ए सर्टेन डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में जब चार्ज फ्लो होती है दैट इज कॉल्ड करेंट। जैसे इलेक्ट्रॉन अभी निश्चित दिशा में चल रहा है माइनस से प्लस की ओर, तो हम लोग कहते हैं करेंट। एक लॉजिक सीखिए फिर हम चलेंगे मैथमेटिकली। ये तो आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि केवल इलेक्ट्रॉन को दौड़ने से करंट फ्लो नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होना चाहिए निश्चित, ये माइंड में सेट हो गया होगा। देखो एक तालाब है, मैं आपको बताना चाहता हूं वाटर करंट, वाटर करंट ध्यान रखिएगा, ये तालाब में पानी भरा हुआ है चारों तरफ से बंद है, क्या वाटर रेस्ट में है मोशन में? सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि रेस्ट में है, लेकिन बच्चों मोशन में है, अंदर में वाटर एनिमल्स है, मेढक है, मछली है, सब इधर से डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन अभी जो पानी का मोशन है, पानी का डायरेक्शन है, वो रेंडम है। अब एक काम करो, इस बांध को यहां खोल दो, इधर का गांव भी होगा, छोड़ दो उसकी कहानी, सारे पानी हड़हड़ा के एक निश्चित दिशा में फ्लो होने लगता है, और तब लोग कहता है भागो रे भागो बाढ़ आ गया। इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखो देखो आ रहा है वाटर करेंट। आपने क्या देखा? सारे वाटर फ्लो हो रहा है लेकिन एक निश्चित डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड वाटर करेंट। बच्चों हमारे ब्लड में, शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, किसी जगह किसी कारण से कट जाता है, सारे ब्लड एक निश्चित डायरेक्शन में फ्लो होने लगता है। डॉक्टर बोलता है अरे बैंडेज करो जल्दी इसको, चल रहा है पेशेंट का ब्लड करेंट। Everything's flow in a certain direction is called current. Current is a general word. Electric current क्या है? Flow of charge in a certain direction is called electric current. Definition समझ रहे होंगे आप, लेकिन बच्चों है एक चीज और समझिए। एक होता है conventional current. Starting में सारे लोगों का यही सोच था कि current is developed due to positive charge, flow of positive charge. लेकिन वो सोचना गलत है, इसीलिए उस करंट का नाम रखा गया था कन्वेंशनल करंट। करंट डेवलप होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव चार्ज। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस की ओर, यहां दिखाता हूं प्लस से माइनस की ओर। प्लस दैट मीन्स हाई पोटेंशियल, माइनस दैट मीन्स क्या? लो पोटेंशियल। तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कैसे? मैं दिखाता हूं वाटर करेंट, जरा ध्यान लगाइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, समझिएगा। चलो इसमें पानी यहां तक भर देता हूं, मैकेनिज्म को समझिए, फिर तो टॉपिक आसान बन जाता है। आप देख रहे हैं यहां पर दोनों बीकर में, यहां पानी का लेवल और यहां पानी लेवल सेम है क्या? डिफरेंट है। इसके पोटेंशियल क्या है? हाई। इसका पोटेंशियल क्या है? लो। कनेक्ट कर दो, जैसे कनेक्ट करेंगे पानी ए से फ्लो होगा किस में? बी में। ठीक उसी प्रकार करंट फ्लो होता है प्लस से किधर? माइनस की ओर। और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर से किधर होता है? माइनस से किधर? प्लस की ओर। बच्चों इसीलिए ध्यान रखना, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है प्लस से किधर? माइनस की ओर, अगेंस्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन रहा सवाल इस करंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए उसको समझते हैं। ये किसी वायर का एक सेक्शन है, यहां से चार्ज निकल रहा है पूरा, अगर दिखाना चाहते तो ऐसे दिखा सकते हैं आप। एक खास सेक्शन की बात कर रहा हूं, यहां पर चार्ज मान लो dq निकल गया यहां से dt सेकंड में। ये वर्ड पकड़िएगा बहुत बढ़िया से, जैसे इसको तार मान लो, तो हमको इस सेक्शन पे करंट निकालना है। यहां पे तार यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ये बात जरा और समझिए, जैसे ऐसे बना दिया, ये तार नॉन यूनिफॉर्म है। अभी मैं यूनिफॉर्म की कहानी बोल रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म की कहानी आगे करूंगा। यहां देखना, अब कहता है इस सेक्शन में कितना करंट फ्लो हुआ, तो करंट के मेजरमेंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। ये वर्ड आपके माइंड में हीट होना चाहिए, फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड। एक सेकेंड में किसी सेक्शन से जितना चार्ज फ्लो होता है वही उस सेक्शन पे करंट कहलाता है।
तो ये बोलो डी टी सेकेंड में इस सेक्शन से चार्ज कितना निकला डी क्यू, तो एक सेकंड में कितना निकलेगा डी क्यू बाई डी टी, तो ये डी क्यू बाई डी टी हो गया इलेक्ट्रिक करेंट, और इसको डिनोट करते आई से, तो आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। और बच्चों भाइयों बहनों ये करेंट हुआ एट दैट सेक्शन। अच्छा एक बात बता, इसमें आ जाओ, क्या एक सेकेंड में इस सेक्शन पे जितना चार्ज निकलेगा एक सेकेंड में यहां से चार्ज उतना ही निकलेगा? कहिएगा नहीं, यहां ज्यादा निकलेगा, इसलिए यहां पे करंट ज्यादा होगा, यहां पे करंट कम होगा। भाइयों बहनों इसीलिए तो मोटा तार में करंट की अमाउंट कुछ और होता है, पतला तार में करंट की अमाउंट कुछ और होता है। तो अलग अलग सेक्शन पर करंट अलग अलग होगा, अगर वायर नॉन यूनिफॉर्म है तो, और अगर यूनिफॉर्म है तो हर जगह सेम होगा। तो I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अच्छा मान लो हम यहां ऐसे कहते हैं कि नहीं जी यहां पर Q चार्ज फ्लो हुआ है t सेकेंड में इस सेक्शन से, तो इसको क्या लिख देते हैं Q बाई टी, इसको और आगे क्या बढ़ा सकते हैं एनी बाई टी। तो एक फॉर्मूला बन गया जिससे हम लोग कई न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। यहां जरा देखिएगा, आप छोटा सा कंसेप्ट लगा रहा हूं, कुछ क्वेश्चन यहां से बनेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। यहां से बना सकते हैं, यहां से बना सकते हैं, यहां से बना सकते हैं। कितना बार क्वेश्चन आता है कितने इलेक्ट्रॉन मिलके इतना सेकेंड में उतना करंट बनाएगा, व्हाट मींस दिस, इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है टाइम दे दिया करंट दे दिया, इससे आप बना सकते हैं। लेकिन एक बात सुनो, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि इसकी डायरेक्शन फिक्स है, प्लस से किधर माइनस की ओर। स्केलर क्यों है? क्योंकि वेक्टर लॉ पे फिट नहीं बैठता है, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट है स्केलर क्वांटिटी, और इसको स्केलर लॉ से हम लोग सारा ऑपरेशन करेंगे। अब बोल सकते हैं हाउ एवर इट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट इट डज नॉट फॉलो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, सो इट इज स्केलर क्वांटिटी। कैसे? जैसे देखो करंट अभी जा रहा है प्लस से किधर माइनस की ओर, मान लो 2 एम्पियर जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड 2 हो गया, डायरेक्शन हो गया प्लस से किधर माइनस की ओर, तो डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वेक्टर लॉ पर फिट नहीं बैठता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन हम करंट को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहिएगा एरो से क्यों? ये एरो केवल इसलिए बताता है, एरो का मतलब ये यहां पर हुआ कि करंट का सेंस क्या है, एरो ये नहीं बताता है कि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए बच्चों ध्यान लगाना, कई दफा करंट को एरो से दिखाया जाता है डायग्राम में, लेकिन इसका मतलब कदापि नहीं है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, वो सिंपल सेंस ऑफ करंट को बताता है। तो यहां पर हम लोग कई एक क्वेश्चन बना सकते हैं, एक क्वेश्चन आपको लगा दिखाता हूं, देखिए जरा क्वेश्चन। चलो Q इक्वल टू दिया हुआ है 3t² + 4t + 2, कहता है 2 सेकेंड में कितना करंट फ्लो होगा, T का वैल्यू हम 2 सेकेंड ले लिए। देखिए कैसे बनाएंगे इसको जरा समझिए, चलो इसको डिफरेंशिएट कर दो, dQ by dt, 3 कंबाइंड कांस्टेंट, t² का 2t, 4t का 1, 2 फ्री कांस्टेंट 0, ये आप मैथमेटिक्स में सीखे हैं। इसको क्या बोलेंगे I, 6t + 4, कितने टाइम में चाहिए आपको, आपने बोला 2 सेकेंड में, यहां पुट कर दीजिए t = 2 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 6 × 2 + 4, लीजिए यहां पर 12 + 4 = 16 एम्पियर। समझ पा रहे हैं? एक और क्वेश्चन देखिए, इसका रिवर्स देखिए, अभी चार्ज गिवेन था करंट निकाले, अब करंट गिवेन रहेगा चार्ज कैसे निकालेंगे। मान लो कभी दिया हुआ करंट टाइम के फंक्शन के रूप में i = 1 + t, बोलता है बताओ 2 सेकंड में चार्ज कितना फुल होगा, वहां पर चार्ज टाइम हो ही लिया, आई के जगह पर क्या लिख देंगे डी क्यू बाई डी टी और 1 + t, तो यहां पर हो जाएगा 1 + t × dt, लीजिए आपके पास हो जाएगा dt + t dt, लगा दो दोनों साइड इंटीग्रेशन, ये मैथ का खेला हो गया, t dt इंटीग्रेशन, कितना सेकंड में 2 सेकंड, मतलब 0 से 2 0 से 2, ये क्यू हो गया dt का t 0 से 2, और इधर हो गया t² / 2 0 से 2, इंटीग्रेशन का बात हो गया, बोलो कितना हुआ 2 - 0, और यहां 2 का स्क्वायर - 0² / 2, लीजिए आपके पास हो जाएगा 2 + 4/2, कट गया और यहां पर हो गया 4 कूलम। समझ रहे बच्चों भाइयों बहनों? एक और क्वेश्चन इस पर देखिए, कहता है कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 मिली सेकेंड में 1 एम्पियर करंट बनाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 मिली सेकेंड में
वन एम्पियर करंट बनाएगा। देखिए क्या पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलके एन इक्वल टू वाट, कितना करंट बनाएगा वन एम्पियर, कितना टाइम में वन मिली सेकेंड। अब लगा दीजिए कंसेप्ट, लगा दीजिए कंसेप्ट कैसे बनेगा, आई इक्वल टू एन ई बाई टी, ये हो गया वन, एन निकालना है, ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ लीजिए, टी कितना बोला था मिली सेकेंड, हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो लीजिए यहाँ पर n इंटो 1.6 × 10⁻¹⁹ 1 × 10⁻³ n निकालिए, तो 1 × 10⁻³ और यहाँ हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹। तो देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, बच्चों जरा गौर करना, ये पॉइंट हटा दो, ऊपर हो जाएगा 10, नीचे 16 और इसको ऊपर ले चल जाओ, यहाँ पर 16, एक जीरो और ले लो, 100 हो जाएगा बाय 16, 10⁻¹⁵ डिवाइड कर दो, लीजिए 6.25 × 10⁻¹⁵। क्या देखा, इतना इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा तो एक मिली सेकेंड में एक एम्पियर करंट का बनाया जाएगा। ये था करंट इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्टिंग कंसेप्ट। और भाइयों बहनों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगला जो टॉपिक आएगा इससे कनेक्टेड आएगा और ये सारा टॉपिक आपको वेबसाइट में अवेलेबल रहेगा, तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट से लास्ट तक कंटिन्यू स्टडी कर सकते हैं थ्रू द वेबसाइट। वेबसाइट का नाम है www.iitcampus.co.in। तो वहाँ पर जैसे आप ऑनलाइन वीडियो पर क्लिक करेंगे ये सारे वीडियो मिलेगा और उसको आप देख सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, आज इसको लास्ट करते हैं, पर थैंक यू सो मच।